पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बता दें कि इसी बारिश के चलते विदिशा की जीवनी दयनीय बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में विदिशा बेतवा नदी का मुख्य धार्मिक स्थल चमर तीर्थ भी डूब गया है। साथ ही बाढ़ वाले गणेश मंदिर के आसपास भी जलभराव होने लगा है। जानकारी के मुताबिक बेतवा नदी में जलस्तर के बढ़ने से नदी किनारे पर बने मुक्ति धाम का रास्ता भी बंद हो गया। बेतवा चौकी पर तैनात होमगार्ड सैनिक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बेतवा के आसपास होमगार्ड सैनिकों की तैनाती की गई है। वहीं लोगों को ये सलाह दी गई है कि नदी के आसपास जाने से बचे ताकि कोई घटना ना हो सके। विदिशा से अजय सिकलवार की रिपोर्ट। बड़ा हुआ है और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है मन बहुत तगड़ा बहाव चलता है इसमें। बहुत अच्छी समझ लो कि गंगे मैया हिसाब से बहती है और ज़्यादा हो जाती है तो ये समझ लो कि बाढ़ भी फेंक देती है। नदी में बहुत तेज बाढ़ आ चुकी है और काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा है रात से ही, और अभी आप देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। और अधिकारियों ने पहले भी अलर्ट जारी किया था कि 24 घंटे में बाढ़ आने की संभावना है और अभी भी पानी बढ़ रहा है। बेतवा नदी पर मैं देखने के लिए आया था, काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। नदी में काफ़ी पानी आ गया है, लगभग 15-20 फुट पानी ऊपर हो गया है। नीचे एक छोटा पुल है, उससे लगभग 3-4 फुट ऊपर पानी हो गया, काफ़ी पानी बढ़ गया है।